नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। बुरहानपुर जिले के खकनार तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत दुधिया में भारी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ है। जैसे कि खेल मैदान, सीसी रोड, नाली, आंगनवाड़ी भवन एवं रोजगार गारंटी योजना में मस्टर सरपंच और सहायक सचिव अशोक दारा सिंधे भरकर हेराफेरी की गई है। यह सब जानकारी सूचना के अधिकार के तहत ग्रामीण लोगों द्वारा निकाली गई है और पूरी जानकारी भी सही पाई गई थी। इसके बारे में जनपद पंचायत खकनार की लेखपाल किरण शाह द्वारा जांच में भी 6 लाख का भ्रष्टाचार हुआ है। लेखपाल किरण शाह ने बताया कि कार्रवाई जिला पंचायत से होगी। हमारा काम है जांच प्रतिवेदन बनाकर भेजना और जनपद पंचायत खकनार में पदस्थ सीईओ सुरेश टेमने ने भी बताया कि दुधिया की जाँच परियोजना अधिकारी विजय पचौरी कर रहे हैं और लगभग 3 वर्षों से कर रहे हैं और कार्यवाही भी वही करेंगे। बुरहानपुर जिले में इसके बारे में परियोजना अधिकारी विजय पचौरी से जानकारी ली गई तो उनके द्वारा पहले तो गोलमोल जवाब दिया गया, फिर संपूर्ण जिम्मेदारी अपने आला अफसर सीईओ जिला पंचायत पर थोप दी गई। उनके द्वारा कहा गया कि मामला संज्ञान में नहीं और अभी रिपोर्ट नहीं आई है, अभिलेख मंगवाए हैं, अभी अभिलेख नहीं आया है, यही बोलकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मामले में विजय पचौरी की भूमिका भी संदिग्ध दिखाई दे रही है क्योंकि जनपद द्वारा जाँच रिपोर्ट आ चुकी है और यहाँ भ्रष्टाचार 3 वर्षों हो चुका है पूरे, लेकिन भ्रष्टाचार करने वाले आरोपी पर कोई भी कार्यवाही नहीं किया जा रहा। आखिर क्या कारण है जो कार्यवाही नहीं हो रही है? भ्रष्टाचार करने वालों पर यह मामला बुरहानपुर सीईओ के अवगत करवाएंगे तो इस पर कार्यालय व्यवस्था में दिखाकर शीघ्र ही कार्यवाही करेंगे। और यह भी कहा गया कि सोशल मीडिया लोगों को बता रहा है। एमपी न्यूज कास्ट के लिए महेंद्र मालवीय की रिपोर्ट। कुल व्यय 4,14,000 जो लागत से अधिक व्यय हुआ है, सही है ये भी। फिर हनुमान मंदिर से ग्राम पंचायत भवन दुधिया रैयत सीसी रोड निर्माण, वो भी 14-15 का वर्ष का था, जिनकी स्वीकृति 2/84 की थी, क्षतिग्रस्त है, जिसमें गिट्टी के स्थान पर छोटे पत्थर बोल्डर का उपयोग किया गया, यानी जिसमें कुल व्यय 1,25,000 व्यय हुआ है। उक्त कार्य की राशि व्यय वसूली योग्य है, ये काम बराबर नहीं होता, वसूली योग्य था। सीसी नाली निर्माण का कार्य जो अपूर्ण था उसमें वो वर्ष था 15-16 का। अच्छा, फिर एक सीसी रोड निर्माण था महमूद के घर से साउद्दीन के, जिनकी स्वीकृति 16-17 की थी, 6,14,000 का था जी। एक साइड से नाली का निर्माण कार्य किया गया जिस पर कुल व्यय 7,59,000 रुपये व्यय हुआ, जो स्वीकृत राशि से अधिक व्यय किया गया। वैसे और सीसी रोड 4-5 थे, उसमें भी अनियमितता थी। अच्छा, खेल मैदान भी नहीं बना था। आवास के संबंध में किशन शांतिलाल को एसपीसी द्वारा 2011 की सूची अनुसार उनके नाम प्राप्तता के में हुए, उन्हीं के आधार पर आवास स्वीकृत हुए। मौके पर उक्त आवास शासन के दिए निर्देशानुसार आवास 270 वर्ग फीट होना चाहिए, जो हितग्राही द्वारा बनाया जाना चाहिए। दोनों आवास शासन के मापदंड अनुसार नहीं बने और उनके पूर्ण आवास के फोटो अपलोड कर दिए गए। पाइपलाइन कई भी शिकायत थी, पाइपलाइन के बारे में द्वारा चर्चा न होने के कारण पानी व्यवस्था ग्राम में नहीं हुई है। ग्रामीणों द्वारा पानी का समय पाइपलाइन है तो जो राशि आरिट की गई है वह भी काम नहीं किया गया। स्कूल भवन को किराए पर देने के बाबत द्वारा चौधरी सर से। सर, एक और दुधिया का है सर, जो पिछली बार भी हमने न्यूज चलाई थी और जांच में भी मतलब सही पाया गया था भ्रष्टाचार, उस पर आपने क्या कार्रवाई की सर? दुधिया की जांच मेरे स्तर से नहीं हो रही, जिला पंचायत स्तर से हो रही। सर, पिछली बार भी हमने इसके बारे में आपको बताया था, ये मामला भी संज्ञान में लाया था। वहाँ एडिशनल सीईओ कर रहे हैं जांच, एडिशनल सीईओ कर रहे थे और उनका ट्रांसफर हो गया था, उसके बाद श्री पचौरी हैं परियोजना अधिकारी, उनको और सहायक यंत्री जो हैं उनको वो जांच दी है और जिला पंचायत से सीधे उसमें कार्रवाई हो रही है, वो जानकारी करके ही मैं बता पाऊंगा, अभी मेरे संज्ञान में। सरपंच साहब, जो आपके गांव में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं उसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? नहीं। अच्छा, और आप साइन करते हो तो 5,000 रुपये सचिव द्वारा दिया जाता है क्या आपको? अच्छा, आप साइन करके दे देते हो? हाँ। आपको जानकारी रहती है कि नहीं उस साइन पे, मतलब उस प्रस्ताव पे क्या लिखा रहता है, आपको जानकारी कुछ रहती है कि नहीं उसके बारे में? उसका तो जानकारी नहीं है। अच्छा, मतलब कुछ बताते नहीं? हाँ, है क्या? हाँ। कुछ भी नहीं? हाँ।
अच्छा, दिए 5,000, दूसरे सचिव ने दे दिया। आपको वेतन मिलता कि नहीं मिलता पंचायत तरफ से सैलरी? हाँ वो तो मिला है। मिला है? हाँ। अच्छा, और आपको एक साइन करने पर 5,000 रुपए दिया जाता है? हाँ। अच्छा, और गांव में सीसी रोड, सड़क और आंगनवाड़ी भी पूरी कंप्लीट नहीं हुई, खेल मैदान भी आया था वो भी नहीं बना, वो किस कारण से नहीं बना आपको कुछ जानकारी इसके बारे में? नहीं मालूम। नहीं मालूम? अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? आपका नाम? शांति भाई। क्या नाम? शांति भाई। शांति भाई, कि वहाँ पर सर 6,00,000 रुपये का भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ था, जो यहाँ पर सूचना के अधिकार में सर सिद्ध भी पाया गया, उस पर क्या कार्रवाई? उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई सर अभी तक। क्यों? ये मामला आप लोगों के माध्यम से अभी संज्ञान में आया है जी। मैं कार्यालय व्यवस्था में इसको दिखवाता हूँ और इसकी शीघ्र जांच की जाएगी, और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो सर जनपद पंचायत में जो मुख्य कार्य, ये जो कार्यपालन, ये जो तेमने साहब है कार्यपालन अधिकारी, उनसे सर बात हुई थी तो वो भी यही बोलते हैं, लेकिन वहीं पर जो लेखापाल अधिकारी जो है किरण शाह जी, उनका कहना है सर कि मैंने ये पूरी जानकारी जिला पंचायत में भिजवा दी गई है। दिखवाते हैं इसको। सर लगभग 3 साल हो गए हैं। ओके, मैं अभी पता लगाता हूँ इसको। आपने पंचायत में सूचना का अधिकार लगाया था क्या? अच्छा, तो कुछ जानकारी दी आपने? नहीं। अच्छा, कुछ भी नहीं जानकारी दी आप लोगों ने? सचिव सरपंच ने आपको कुछ जानकारी दी इसके बारे में? सूचना का अधिकार नहीं दिया? अच्छा, आपने स्वयं ने लगाई थी क्या जानकारी? अच्छा, पूरा गाँव वाला था।